आपने मुझे बजट भाषण 2021-22 पर बोलने का अवसर दिया माननीय सभापति महोदय, माननीय सॉरी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछला वर्ष पूरा का पूरा कोरोना काल में निकल गया। इस महामारी से न केवल देश प्रदेश बल्कि पूरा विश्व पीड़ित था, और ऐसी स्थिति में हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े उस बात को लेकर के, हमारा देश कैसे आगे बढ़े माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में और पूरे वर्ल्ड में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा की, और उसी की वजह से आज हमारा पूरा देश वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहा है। और हमें विश्वास है कि इस वैक्सीनेशन के कारण से, जो दो वैक्सीन आई हैं उनके कारण से, हम निडर होकर के आत्मनिर्भर बनकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जब हम प्रदेश की चिंता करते हैं तो प्रदेश में क्या हुआ, आज हमारा प्रदेश किस स्थिति में है और किस ओर बढ़ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूँगी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आए दिन हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो बड़े बड़े अधिकारियों को भी गिरफ्त में ले रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इस ओर हमें देखने की ज़रूरत है, इस ओर हमें चिंता करने की ज़रूरत है। बेरोजगार माननीय अध्यक्ष महोदय सड़कों पर आंदोलनरत हैं, और किसान जो है वो कर्ज माफ़ी की आस में अपने पूरी तरह से टूट गया है और आत्महत्याएं करने की स्थिति में है। राजस्थान आज बदहाल की स्थिति जी रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। राजस्थान में जब हम किसान कानूनों की बात करते हैं तो मेरे सत्ता पक्ष के लोग बड़ी चढ़ चढ़ कर की बात करते हैं और किसान आंदोलन की बात करते हैं, पर माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि हमने किसान आंदोलन के बारे में जो किसान बिल आए हैं उन बिलों में अंदर क्या है, क्या ऐसा नकारात्मकता है, उसके ऊपर हम कभी चर्चा नहीं करते। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, सत्ता पक्ष को ध्यान दिलाना चाहूँगी कि 10 दिनों में कर्ज माफ़ी करने की घोषणा करने वाली सत्ता पक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो 10 दिनों में आज तक भी हम कर्जा माफ़ी नहीं कर पाए हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो कर्जदार हैं वो आज भी दर दर ठोकरें खाने को पर मजबूर हैं। इसी तरह से इस शासनकाल में हमने आए दिन अखबारों में देखा लगभग 4 दर्जन किसानों ने कर्ज माफ़ी नहीं होने के कारण से आत्महत्याएँ की हैं। दूसरी ओर हमारे किसान भाई, बिजली सरकार ने वादा किया था, ये मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली दिन में देंगे, लेकिन बिजली दिन में देना तो दूर, रात्रि में भी ठीक प्रकार से बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो किसान पूछ रहे हैं कि भाई आप बिलों के लिए जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, पहले आप अपने स्तर पर जो चीज़ों को समाधान कर सकते हैं वो अपने स्तर पर क्यों नहीं करते। प्रदेश में किसान रबी और फसल की सिंचाई कड़ाके की ठंड में करने को मजबूर है, बिजली रात में आती है दिन में नहीं आती। इसके अतिरिक्त जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में घोषणा की है, पर 2019-20 और 20-21 का बजट उठा करके जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 33% घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी नहीं की है। 2 सालों से किसानों को बिजली पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी इस सरकार ने बंद कर दी, और इसी तरह से सहकारी जो ऋण थे वो सहकारी ऋण, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उदाहरण देती हूँ, अजमेर में मेरे राजू लाल सन ऑफ हजारी लाल धातोल पंचायत समिति भिनाए का, इसका कहना है राजू लाल का कि मुझे फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है, मैं और मेरी पत्नी पहले लगातार फसली ऋण रहते रहे हैं, लेकिन जब से कर्ज माफी हुआ है तब से मेरी पत्नी गीता को ये फसली ऋण नहीं दे रहे। तो इस तरह से फसली ऋण का वादा करके भी ये सरकार मुकर गई। दूसरी ओर जो कर्ज राष्ट्रीयकृत कर्जों का जो कर्ज माफी की जो बात है, मैं एक ऑर्डर पढ़ के सुना रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 19/12/2018 का ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, ये भारत राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव का ये ऑर्डर है, डीबी गुप्ता जी के द्वारा निकाला गया है, राजस्थान राज्य के सहकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार पात्र पाए गए सभी ऋण कृषकों को दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वे सभी कृषक
जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, डिफॉल्टर उनका सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र पाए जाने पर दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में 2,00,000 रुपये की सीमा तक का कालातीत अवधि पर अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों की भी बात इसमें लिखी है। डीपी गुप्ता जी का ऑर्डर है, 19/12/2018 का ऑर्डर है ये मेरे पास। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब मैं बात करती हूँ अजमेर की, तो मुझे ज्ञात होता है कि ये जो हमारा सावरलाल है उसका बिल माफ नहीं हुआ और ऑर्डर मिलता है हमारे मुख्य प्रबंधक द्वारा, यूनियन बैंक के द्वारा, कि आप इसकी कुड़की कर दीजिए, आप इसकी जमीन की कुड़की कर दीजिए। वो दर दर भड़कने को मजबूर है और यहाँ से हमारे मुख्य सचिव जो है ऑर्डर निकालते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति इस ऑर्डर के आधार पर सरकार की ओर जाता है, तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत संयुक्त सचिव जो मुख्यमंत्री जी के हैं, वो कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं, सावरलाल पुत्र रामकरण खाती निवासी चावंडिया ग्राम पंचायत समिति सतवाड़िया तहसील मसूदा, मुख्यमंत्री कार्यालय पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का श्रम करें। अरे मुख्यमंत्री जी को जो बात करनी है, जो काम करना है, वो मुख्यमंत्री कलेक्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं और ऑर्डर डीबी गुप्ता जी के हैं, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था, कैसे किसानों को भ्रमित करने की आप बात करते हैं, किस तरह किसानों से को आप छलावा करने की बात करते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और ऐसी स्थिति में किसान आपको माफ नहीं करने वाला है, किसान आपको छोड़ने वाला नहीं है माननीय सभापति महोदय। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं किसानों की, आगे जब मैं बढ़ूंगी कि भाई हमने कोरोना काल में मजदूरों के लिए सड़क पर चलने वाले जो हमारे मजदूर भाई थे जो पलायन कर लेते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं की, हमने बिजली के बिलों को हमने डेफर किया। पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूँगी कि बिजली को लेकर के आज पूरे प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। ना केवल परेशान है बल्कि आज उनके सामने आत्महत्याएं करने का के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा है। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो बिजली पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा बिजली की रेट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है। उदय योजना के तहत जब हमारी पार्टी की सरकार थी, उस समय 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के बिजली कंपनियों का चुकाया गया था। सिर्फ 20,000 रुपए का ही कर्ज बिजली कंपनियों के पास शेष था, लेकिन अब पुनः इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही 80,500 करोड़ रुपए का बिजली का जो कंपनियों पर जो कर्ज है वो बढ़ गया है। 1 से लेकर के 50 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 8 रुपए से लेकर के 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली जो है मिल रही है, जो सबसे महंगी बिजली है। तो सरकार ने इस कोरोना संकट में राहत देने की बजाय बिजली के फिक्स चार्ज और फ्यूल चार्ज को बढ़ा करके प्रदेश की जनता पर और बोझ डालने का काम किया है। एक और तो यहाँ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बहन है, हमारी प्रियंका बहन है, वो उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के बिल माफ कर दे, और यहाँ पर राजस्थान सरकार ये बिजली के बिलों को माफ करने की बजाय फ्यूल चार्ज और फिक्स चार्ज बढ़ाने के साथ में बिजली के बोझ को और बढ़ाने का काम करती है। नहीं किया जाता है, आपकी बहन है, आपकी बहन है, आप अपमान मत करिए। आप मंत्री रही हो, आप सीनियर लीडर हो, बहन का अपमान आपके द्वारा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट अनिता जी, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखूंगा कि बीच में इंटरव्यू नहीं करेंगे। आप बिराजिए, अलाउ नहीं किया मैंने आपको। बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, जब भी मैं कुछ बोलती तो कुछ सत्ता पक्ष के लोगों को पता नहीं अजीब सा लगता है, भैया आप समझा देते तो बहन जी को कि भैया आप चिट्ठी मत लिखे, क्योंकि हम भी सत्ता में हैं। अनिता जी, एक तो आप इधर संभव करेंगे, मैं 39 माननीय सदस्यों को बोलना है, यदि आप इसी तरह से इंटरव्यून करेंगे तो मुझे मेरी परेशानी होगी। समय निर्धारित किया गया है, समय पे आप जो है, जब मैं कहूँ आपसे तो समय पे आप मुझे सहयोग करें, वरना कोई नहीं बोल पाएगा। बिल्कुल सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आवास पर आना चाहूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आवास, प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, जिसमें 15,00,000 आवासों का लक्ष्य रखा गया, 13,00,000 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 9,00,000 आवास बनकर के तैयार हो गए, लेकिन राजस्थान के लोगों को नहीं मिल रहे,
क्योंकि राजस्थान की जो किश्त है वो समय पर नहीं पहुंच रही है। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये जो इंदिरा आवास है जिसके लिए माननीय सदस्य बार बार स्थगन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से अपना सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे इंदिरा आवास की जो एक सपना होता पक्का मकान का एक आम आदमी का, वो उसको इंदिरा आवास के रूप में मिले, ये इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिले, ताकि इस आवास को रह करके वो अपना जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सके। माननीय सभापति महोदय, जब मैं आवास की बात करती हूँ तो आप देखिएगा कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, उस जन आवास योजना के तहत कितने समय से प्रोजेक्ट लंबित है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि BOCPU योजना के तहत 2013 में BOCPU योजना के तहत ये आया, और उस योजना के तहत आने के बावजूद भी आज तक वो आवास भगवानगंज के आवास पूरे नहीं हो रहे हैं, और उन आवासों की जर्जर स्थिति हो गई है। इसलिए माननीय स्वायत्त शासन मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वो ये BSUP के तहत 21 मार्च 2007 में जो आवास बने थे, जिसमें 64,45,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी, उन आवासों को जो व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया, जिन्होंने किश्त डिमांड ड्राफ्ट पूरी तरह से 10,000 रुपए का जमा करा दिया, जमा कराने के बावजूद भी भगवानगंज की योजना में उन आवासों को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। तो ये आवास आवंटन करने का काम शीघ्र करें, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अजमेर में लगभग 10-15 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। उन स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में जो बिल्डर है, उस बिल्डर ने अपने हिस्से की जमीन तो विकसित कर ली, लेकिन गरीब को जो फ्लैट बना करके देने थे, वो गरीब को फ्लैट बना करके आज तक नहीं दिए। रेरा में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी 2007, 2008, 2009, 2010 के प्रोजेक्ट आज तक भी लंबित है माननीय सभापति महोदय। तो ये प्रोजेक्ट्स पर तुरंत सरकार समीक्षा करे, मॉनिटरिंग करे, और ऐसे गरीब लोगों को आवास देने की कोशिश करे, तब उसका अपने घर का सपना उसका पूरा हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा प्रदेश निरोगी रहे, स्वस्थ, सब लोग स्वस्थ रहें, किसी को मिलावट का खाद्य पदार्थ नहीं मिले। और जब से माननीय अशोक जी मुख्यमंत्री के पद उन्होंने सुशोभित किया है, तब से वो उनका एक हर कार्यकाल में उनका एक ध्येय होता है कि शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, ये बार बार करते हैं। अच्छी बात है, भावना अच्छी है, लेकिन आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, आपकी कोर योजना ठीक नहीं है, आपकी कार्य पद्धति नहीं है, आपके स्टाफ नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, वर्ष 2010 में मिलावटियों पर कार्रवाई करने और रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल की घोषणा की गई। अब ये फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल जो था, वो ट्रिब्यूनल बना तो दिया गया, लेकिन रजिस्ट्रार के पद पर स्टेनो और दो चपड़ासी ही कार्यरत है, इसके अलावा और कोई कार्यरत नहीं है। जबकि होना जो चाहिए था कि कानून विशेषज्ञ इसके पद पर आसीन होता और ये काम करता, और पूरे प्रदेश में प्रयोगशालाएं लगती, प्रयोगशालाएं अपग्रेड होती, प्रयोगशालाओं में इक्विपमेंट होते, प्रयोगशालाओं में जांच करने वाले इंस्पेक्टर होते, और उन नमूनों की समय पर जाँच होती और समय पर रिपोर्ट आती। लेकिन 2010 का उनका जो लक्ष्य था, आज 2021 है, इस 2021 में माननीय सभा माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करते हैं कि ट्रिब्यूनल के स्थान पर अथॉरिटी बनाएंगे। ट्रिब्यूनल जब आपने बनाया था, तो जब आपको एक एडीजी या एक कानून विशेषज्ञ को तैनात करना था, उस समय आपने तैनात नहीं किया, आप अथॉरिटी बनाकर के आप क्या कर लेंगे? क्योंकि माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 13 प्रयोगशालाएं हैं जिलों में, और जो केंद्रीय प्रयोगशाला है ना, उन केंद्रीय प्रयोगशाला में पूरा स्टाफ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम शुद्ध के विरुद्ध युद्ध कैसे करेंगे, मुझे समझाइए आप। और तो और ये जो नमूने होते हैं, वो अवधि पार हो जाते हैं, अवधि पार होने के बाद में इनका जो रिजल्ट आता है, वो भी डाउटफुल है कि वो सही है कि रिजल्ट गलत है। ऐसी स्थिति में शुद्ध के विरुद्ध युद्ध सिर्फ खोखला दिखावा है और कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। नहीं, मैं अभी मेरा तीन दो विषय, मैं निवेदन करूंगी, मैं इंडस्ट्री के बारे में निवेदन कर, मैं दो विषय रख करके सिर्फ दो मिनट में खत्म करिए माननीय सभापति, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। दो मिनट में राठौर साहब, आपने मुझे लिस्ट दी है। नहीं, फर्स्ट स्पीकर है माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, इंडस्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। अंकित नहीं हो सभापति महोदय, इन्वेस्टमेंट लाना है। जो बजट पेश किया है,